हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बाइक पे दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, बाइक के साइलेंसर पे। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल का साइलेंसर है और थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है, डल हो जाता है और उसका कलर कहीं कहीं से निकल जाता है और पुराना दिखने लगता है। तो हम उसे फिर से नया जैसा किस तरह से बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम यह करने वाले हैं, आप देख सकते हैं स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर का साइलेंसर हम फिर से इसका कलर पेंट करने वाले हैं। तो किस तरह से पूरे के पूरी प्रोसेस होती है, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले इसका साइलेंसर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह पे कलर पेंट है, वो पुराना हो चुका है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं से तो घिस के पेंट निकल भी चुका है यहाँ से और यहाँ से। तो क्या हम इसे फिर से पूरा का पूरा पेंट करने वाला है, इसका कौन सा पेंट लगता है और किस तरह से पेंट किया जाता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमें सबसे पहला क्या करना है, साइलेंसर को बाहर निकाल लेना है पूरा का पूरा। तो उसका प्रोसेस किस तरह से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोल्ट है और यहाँ से देख सकते हैं आप इंजन के साथ अटैच किया गया है इस साइलेंसर को। तो यहाँ से ये दो बोल्ट को हमें निकाल देना है। ये दो बोल्ट को निकाल देने के बाद क्या होगा कि ये पूरी तरह से साइलेंसर हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलो इसे प्रोसेस करते हैं पहले। दोस्तों, टी टूल की मदद से हम इसे इजीली ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इस साइलेंसर पे से इस पतरे को निकाल दिया है। ये हमारे पैर की सेफ्टी के लिए दिया जाता है, इसे हमने निकाल दिया। और इस साइलेंसर को हमने देखिए, हमने इसे पूरा पॉलिश पेपर से पॉलिश किया है। मैं आपको पॉलिश पेपर दिखा देता हूँ। इस तरह का जो पॉलिश पेपर रहता है दोस्तों, इसके जो इसका आप देख सकते हैं 400 नंबर का यह पॉलिश पेपर है दोस्तों। तो 400 नंबर के पॉलिश पेपर से हमने क्या है, इसको पूरी तरह से पॉलिश किया है। तो इससे क्या होगा कि यह जो ऊपर मिट्टी सारी सब लगी थी या पुराना जो पेंट था वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम नया पेंट करेंगे तो अच्छी तरह से इसके साथ लग सके। इसलिए इसे पॉलिश करना बहुत ज़रूरी रहता है। इस तरह से 400 नंबर का जो पेपर रहता है, इस तरह से पेड़ में लपेट के, इस तरह से पेड़ में लपेट के इसे पानी में भिगो भिगो के पूरी तरह से इसे पॉलिश किया जाता है दोस्तों। तो अभी यह पॉलिश का काम भी कम्प्लीट हो चुका है, अब हम इसको पेंट करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कई कारों का पेंटिंग वर्क स्टार्ट है। तो अब हम इसके ऊपर पेंट करने जा रहे हैं। जो पेंट लगाएंगे वो होता है मैट ब्लैक पेंट। दोस्तों, इस पेंट की खासियत क्या होती है कि जब भी यह साइलेंसर हीट होता है तब वो जल नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा साइलेंसर हमने पेंट कर दिया है। अब यह क्या, थोड़ी देर इसे सूखने देना होगा। सूखने के बाद क्या होगा कि इसका कलर है जो अपने साइलेंसर का डल कलर रहता है, मैट ब्लैक डल जिसे कहा जाता है, वो हो जाएगा। तो हम इसे अभी सूखने देंगे, बाद में इसे वापस से गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसका साइलेंसर फिर से इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे सब जगह पे पहले घिस चुका था, अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा साइलेंसर रिपेंट हो चुका है और एकदम बढ़िया सा दिख रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बाइक का, मोटरसाइकिल का साइलेंसर को इस तरह से पेंट करना, तो इसके ऊपर आप मैट फिनिशिंग ब्लैक कलर आता है उसे आप लगा सकते हैं। एक पेंट की क्या बात है कि यह पेंट है वो जल नहीं जाता है और यह टिकाऊ पेंट रहता है, इसकी वजह से इसे साइलेंसर पर लगाया जाता है। इस मैट ब्लैक कलर को आप अपने साइलेंसर पे कोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि बाइक मोटरसाइकिल का साइलेंसर है वो किस तरह से पेंट किया जाता है। और अगर आपका साइलेंसर भी पुराना दिख रहा है, वो डल हो गया है, तो आप इस तरह से अपने साइलेंसर को पेंट करवा के पूरा का पूरा नया बनवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मैं चैनल पर ऑटोमोटिव के रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ।
सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.